जैसा कि आप जान रहे हैं 9 जून को हवेली खड़गपुर की जनता अपना मुख्य पार्षद चुनने जा रही है, और ऐसे में अपना मुंगेर लगातार जो है जनता की राय, जनता की मूड आप लोगों के बीच लेकर करके आ रही है। हमारे पीछे जो है ये जल जीवन हरियाली, और ये आप देख रहे हैं साड़ियों से घिरा हुआ मकान, ये हवेली खड़गपुर का वार्ड नंबर 21 है, दास टोला के नाम से जाना जाता है। चूँकि दास टोला के लोग आप जागरूक हो चुके हैं, इसलिए एक विशेष नाम जो है अंबेडकर नगर भी इसके साथ जुड़ गया है। अब ये दास टोला अंबेडकर नगर दास टोला के नाम से जाना जाता है, जो वार्ड नंबर 21 में है। आइए जनता से मिलते हैं, जनता से पूछते हैं क्या है इस बार जनता की मूड। बोलो कुछ बोलियो करना, पीछे एकदम क्लोज से लो, चलो स्टार्ट। और दास टोला में मेरे बीच जो है एक महिला है, गृहिणी है, ये कुआं में पानी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा, अभी सूख गया है। सूख गया है, हाँ सूख गया। और ये देखते हैं कि पूरा जो है आपका ये घिरावा जो है पक्का नहीं, साड़ियाँ वगैरह से घिरा हुआ है। यहाँ पे दास टोला में विकास दिख नहीं रहा, काम नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं विकास हो रहा है। कुछ विकास नहीं हो रहा है, बस इस टोला को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। हाँ, देख रहे हैं कि कैसे जो है ध्यान देवे नहीं करता है, यहाँ पर जो जीतता है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, इंदिरा आवास वगैरह मिलता है यहाँ लोगों को? इंदिरा आवास मिला, जरा तेरा चीन चीन के मुँह देख देख के दिया। अच्छा, मुँह देख देख कर नहीं दिया, बोल बला दिया, जिन्हें बोला है उसको कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए तो इस बार जो है जनता की सीधी भागीदारी हो रही है, जनता आप ही लोग चुनिएगा चेयरमैन, तो इसलिए इस बार क्या परिवर्तन होगा क्या? हाँ होगा, होगा परिवर्तन, सही आदमी चुनेंगे तो होगा। अच्छा अच्छा, किसके किस में, किसके किसके बीच टक्कर है, कौन है रेस में, क्या होगा? एक दो के बीच में टक्कर है, एक दो के बीच में टक्कर है। कौन है, कौन है? एक है नल छाप, नल छाप। अच्छा, और कौन है और दूसरा? और एगो ठप मछली छाप, नल छाप और मछली छाप बता रहे हैं। प्रत्याशी का नाम जो है महिला नहीं बता पा रही हैं, और खड़गपुर की जनता जानती है कि नल छाप किसका जो है चुनाव चिन्ह है और मछली किसका चुनाव चिन्ह है, जनता ही बताएगी। फिलहाल आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये दीवारी यहाँ पे होना चाहिए, दीवारी नहीं है, और गरीबी के कारण जो है दास टोला में लोग साड़ियों से ढक कर कर करके अपनी अपनी इज्जत की योजना है, लेकिन यहाँ पे दास टोला में कोई भी योजना का लाभ जो है दास टोला के निवासियों को नहीं दिया गया है, ये दास टोला के निवासी ही बोल रहे हैं। कुछ और लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं क्या विकास हुआ है यहाँ पे। एक बुजुर्ग है, क्या और इसका जो है ना, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसका निदान नहीं हो पा रहा है, जो कि हम लोग दर्दर स्थिति में जी रहे हैं। हाँ, तो कौन कौन नेता आ रहा है? अभी तो चुनाव का माहौल है, अभी तो बहुत सारे नेता आते होंगे। हाँ आता तो है, कौन कौन आ रहा है? एगो रेस में है, एगो शशि बिहार, एगो इनामुल है। अच्छा, हाँ एगो अनिल सिंह है, वो है, ये सब मैंने रेस में है, रेस में है, यही लोग मिलने आ रहे हैं आप लोगों से। ना जो है हर क्षेत्र में होता है लेकिन दास टोला में बहुत कम प्रत्याशी आते हैं, क्यों नहीं आते हैं जनता जाने। कुछ और लोगों से पूछते हैं। अच्छा यादव जी हैं, दास टोला में ही रह रहे हैं अभी? पश्चिम आजमगंज, पश्चिम आजमगंज है ये। हाँ, दास टोला उस साइड में है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो अभी तो चुनाव का माहौल है, इस बार जो चेयरमैन चुनिएगा अपना, हाँ, मतदान कीजिएगा जैसे एमपी एमएलए चुनते थे वैसे ही चुनिएगा। तो ऐसे में जो है कौन कौन नेता आ रहा है मिलने के लिए आप लोगों से? हमारा जो नेता आवे छे, सभी नेता आवे छे, जितना दूगो जे छौ। अच्छा, विपिन खिलाड़ी और अंकित कुमार और संजीव के पत्नी है। अच्छा अच्छा, यही सब आवे छौ। के जीते अब रे चेयरमैन के बनतो? के कह सके छे है तो हमें नहीं बोले सकियो, ये तो हमने बोला सको के जीत के भाग।